वीडियो कोई टच नहीं करेगा। चलिए चलिए थोड़ा आप छोड़ो आप बात कर ले तो एक हाँ तो हमें धक्का मत दो हमारे बात ऐसे हो रहे ना ये धक्का दे रहे हैं मुझे मेजर यार तक सामने से कार अम्मा पीछे पीछे यार तक पीछे ये सभी तुम दबाओ ना यार खिलौने को पीछे हटाओ पीछे तो हो जाओ थोड़ी सी दिखेगी नहीं चले जाएंगे भाई सभी प्रेत रोगियों को छोड़ दो जो परिवार के सदस्य पकड़े हैं छोड़ दो और तेज मार लगाई जाए ना सेनापति जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है मार मार के नहीं किया जाए राम अब धाकड़क तेज कर दी जाए हे बालाजी की सेना हे सन्यासी बाबा की सेना चमिका की मार फटकारी जाए राम 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 सब लोग कीर्तन करते रहे हम पधारते हैं राम
कुछ नहीं देंगे अब जो कच्ची आजीवन पर्यंत आपके चरणों से आपके धाम से आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, बोलो हमारे साथ। बागेश्वराय नमः। सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय जिन भक्तों के परचा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने यह हमें उपाय देते हुए वचन दिया था। जो भी सामूहिक अर्जी दरबार प्रांगण में बैठ करके लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा, महीने में एक बार अगर पेशी करना प्रारंभ कर देगा, तो श्री सन्यासी बाबा ने कहा था बिना पर्चा बने ही बिना वार्ता हुए ही ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, अलाय बलाय में बिना पर्चा बने ही आराम लगने लगेगा और बागेश्वर हनुमान जी की कृपा होने लगेगी। आप सब हमारे प्रियजन परिवारजन जो भी समाधान पाने के लिए, जिज्ञासा शांत करने के लिए, प्रश्न का प्रति उत्तर पाने के लिए आप दरबार के बागेश्वर हनुमान जी की चरण शरण में विद्यमान है। मनीमन अपनी अर्जी को 3 बार बोलो, हम विधि कर देते हैं, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, आप पेशी करना प्रारंभ कर देना। ओम। 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 बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शीर्ष 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में से 7 बार, इसे भी श्री हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो और फिर बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में कहीं पीड़ा है स्पर्श करा लो। वैसे तो पहले हमें भभूति भर बांटना था, लेकिन अर्जी लगाएंगे, जितने लोगों की स्वीकार होगी इसके बाद भभूति बांटेंगे।
अभी ऊपरी बाधा वाले जितने रोगी बैठे वो मुट्ठी बांधो, जिनको निकलना है वो भगवती लेकर के निकल सकते हो। हम पुजारी जी को मिलकर प्रसाद पाकर सीधा दरबार प्रारंभ कर देंगे।